इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा रहे हैं। एक वक्त में पाकिस्तान का दुश्मन बन चुका ईरान अब दोस्त कैसे बन गया? और तो और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ऐसे समय में पाकिस्तान जा रहे हैं जब ईरान और इजराइल में इन दिनों तनाव चल रहा है और जंग जैसे हालात बन रहे हैं, और यही सवाल उस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं जो भारत का दुश्मन देश रचने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। ईरान और इजराइल में इन दिनों तनाव चल रहा है जो ये बता रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग होने वाली है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जंग के लिए रणनीति बनाने की बजाय ईरान के राष्ट्रपति आखिर पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं? क्या ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में जब आ रहे हैं तो ये चीन का कोई बड़ा खेल हो सकता है जिसके लिए उसने वो दांव चल दिया है जिसमें वो सफलता हासिल कर सके? तो आज हम आपको चीन के इसी दांव के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान और ईरान को जंग के बीच चीन आखिर क्यों नजदीक ला रहा है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इस सप्ताह ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 3 दिन का पाकिस्तानी दौरा है। जानकारी के मुताबिक दोनों देश अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं जिससे चीन को फायदा हो सके। यानी जनवरी महीने में मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और ईरान में संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब दोनों यानी पाकिस्तान और ईरान अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं और ये सब चीन करवा रहा है। क्योंकि जब जनवरी महीने में ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी और दोनों के बीच जंग जैसे हालात बने, तब चीन ने ही दोनों देशों के बीच सुलह करवाई थी। इस वक्त भी चीन की वजह से ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं क्योंकि इसमें चीन का बड़ा फायदा है। और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही चीन ईरान और पाकिस्तान को नजदीक ला रहा है। लेकिन चीन का आखिर पाकिस्तान और ईरान को साथ लाकर क्या फायदा होगा, वो भी जान लेना आपको बेहद जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान से भारत के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। भारत के लिए ईरान बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत को हथियारों की आपूर्ति करने के मामले में ईरान 4th नंबर पर आता है। भारत और ईरान के बीच पुराने सांस्कृतिक संबंध भी हैं। चाबहार पोर्ट भारत और ईरान को दुनिया भर के समुद्री मार्गों से जोड़ता है। वहीं पाकिस्तान को नियंत्रित करने में भी ईरान भारत की मदद करता रहा है और यही सब चीन को रास नहीं आता, क्योंकि चीन चाहता है कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध बेहतर बने रहें जिससे चीन को फायदा हो और चीन भारत के खिलाफ साजिश रचता रहे और पाकिस्तान के अंदर चीन के सारे काम होते रहें। दरअसल भारत अमेरिका के खिलाफ चीन एक चाल चल रहा है। चीन पाकिस्तान में चल रहे भारत के खिलाफ अपने प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ करना चाहता है। साथ ही ईरान की मदद करके चीन अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है। तभी ईरान को चीन परमाणु बनाने का लालच दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं जिससे ईरान को परमाणु बनाने के लिए वो उपकरण नहीं मिल पा रहे जो उसे चाहिए। यहां तक कि अमेरिका ने ईरान का साथ देने वाली 3 चीनी कंपनियों पर भी हाल ही में बैन लगा दिया था। लेकिन बावजूद इसके चीन ईरान को परमाणु बनाने और उसे मदद करने की बात कह रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन हैं और चीन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। इसलिए चीन ईरान को परमाणु बनाने में मदद करना चाहता है ताकि पर्दे के पीछे से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी और बढ़ सके और अमेरिका को चीन सबक सिखा सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि चीन हमेशा से अमेरिका से आगे निकलना चाहता है और विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है। लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं दे रहा, इसलिए चीन अब पर्दे के पीछे से ऐसी चाल चल रहा है जिससे अमेरिका को मात दी जा सके। और ईरान का पाकिस्तान में आना भी चीन की ही वो चाल है जिससे वो अमेरिका के खिलाफ साजिश रच सके, क्योंकि ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन हैं और अमेरिका और चीन की आपस में नहीं बनती, और चीनी अच्छे से जानता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए पर्दे के पीछे से ईरान के राष्ट्रपति का दौरा चीन पाकिस्तान में करवा रहा है ताकि अमेरिका को सबक सिखाया जा सके। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।